मुझे रोक के दिखा। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे लोग सेफ है और अपने अपने घरों में मौज ले रहे हैं। तो भाई, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार मैं पुरानी वीडियो की बात कर लूँ। जो मेरा टिकटॉक का रोस्ट आया था, आप लोगों ने बहुत बड़े रिस्पांस दिखाया, उसके लिए थैंक यू। पर अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब ने वो डीमोनेटाइज कर दी, मतलब अब उसकी रीच रुक गई है, अब वो कहीं रिकमेंड नहीं होगी। तो जिसने नहीं देखी, चैनल खोलो और टिकटॉक रोस्ट के नाम से होगी वीडियो, उसको देख लेना। आगे बढ़ और बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई। जो हमारा ये जोकर है, ये देख लो इसकी शक्ल, ये जोकर की 20वीं कॉपी, इसकी कंपनी ने भाई मेरी वीडियो पे उस वाली पे कॉपीराइट क्लेम मार दिया, जो कि कॉपीराइट पॉलिसीज के बिल्कुल अगेंस्ट था। बोलने की बात नहीं है, बट मैं लीगली बहुत सारी चीजें कर सकता था। पर चलो, मेरे को खुशी हुई कि मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से किसी के घर में दो रोटी गई है, खासकर ऐसे जोकरों के घर में, क्योंकि तुम्हें पता है टिकटॉक बैन होने के बाद इनका काम धंधा बंद हो चुका है। तो कोई नहीं, छोटी मोटी चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। बेशर्म आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है भाई। बॉलीवुड को दूर से देखो तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा चमकदार बिल्डिंग है, जिस तक सब लोग पहुंचना चाह रहे हैं और वहां पे जाके सब लोगों का फ्यूचर बन रहा है। पर यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वो जो चीज तुम्हें दिख रही है वो सब लोगों के लिए नहीं है, और इस रेस में रहने के लिए, इतना पैसा कमाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। और भाई, पैसा कमाने से ज्यादा है तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सेक्सी चीज लेके आया, जिससे तुम घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो सिर्फ गेम खेल खेल के, क्योंकि ये एक रियल मनी गेमिंग ऐप है और इसमें आप रियल का पैसा जीत सकते हो। तो मैं कुछ खास नहीं करना, तुम्हें डाउनलोड करनी है भाई, बहुत ज्यादा सेक्सी ऐप है, इसका नाम है गेम्स ऐप। इसमें बैटल चलते रहते हैं वन ऑन वन के, तो उनमें पार्टिसिपेट करो और अपनी स्किल्स दिखाओ और भाई पैसा खींच जाओ। इंस्टेंट मनी विड्रॉल भी तुम्हें साथ साथ मिल जाएगा। और तुम्हें कभी लग रहा हूँ बेवकूफ बना रहा हूँ, ये देख लो भाई, तुम पहले ये देख लो, इसमें पब्लिक असली में जीत रही है, बेशक अभी जूम मार के दिख जाएगा तुमको। तो भाई इसको अभी डाउनलोड कर लो गेम्स ऐप को, ये डाउनलोड होगी gamesapp.com से, और अभी डाउनलोड करने पे तुम्हें मिलेगा इंस्टेंट बोनस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लो, या फिर gamesapp.com पे जाओ और वहां से डाउनलोड कर लो। तो मैंने एक वीडियो के अंदर बोला था कि मैं डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि यही वीडियो है। तो भाई पहले बता के चल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो, डिलीट भी हो सकती है, तो इसको डाउनलोड कर लेना और जितना हो सके ना, जितना हो सके शेयर करना। अब तुम बोलोगे अलीस भाई यार वीडियो शुरू कर दो, तो भाई वीडियो अब शुरू करते हैं। शुरू। तो इस वीडियो में जो जो लोग आप सभी लोगों को जानते हो, क्योंकि सबकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा कैडी है या थी, क्योंकि आजकल पब्लिक इतनी होशियार हो चुकी है, उनको पता है उनको क्या देखना है क्या नहीं, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और ये सब आपको सड़क 2 के ट्रेलर पे जितने डिसलाइक आ रखे हैं उससे देख के पता लगाया जा सकता है कि आजकल स्टारगेट्स का क्या हाल हो रखा है। बहुत बढ़िया हो रखा कसम से, मैं ये नहीं कह रहा सारे स्टारगेट्स बेकार है, पर है बेकार वो। तो भाई जो भी हो रहा बहुत सही हो रहा, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो पब्लिक की कहीं तो आंख खुल रही है। पर यार एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अब ये 2-4 दिन की सख्ता ही मत दिखाना कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ये अब सदा चलता रहना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉलीवुड में फंडिंग कौन करता है, जो मूवीज बनती है इसमें किसका पैसा लगता है। तो और सुन लो भाई, ये मेरी कोई मन की बनाई हुई कहानियां नहीं है कि तुम कहो कि एलियस भाई यार तुम तो खुद कहानियां बना रहे हो। डिस्क्रिप्शन में हर आर्टिकल के लिंक है, वहां जाके पढ़ लेना और भाई अपनी तसल्ली कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं बॉलीवुड की, जो मूवीज इतनी 200-300 करोड़ की बड़ी बड़ी मूवीज बनती है, इनमें किसका पैसा लगता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये बेचारे खुद ही लगाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? जो आप लोगों से कमाते हैं वो बेचारे मूवीज में लगा देते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं ये बोलूंगा कि सारा पैसा अंडरवर्ल्ड से आता है और दाऊद सारी फंडिंग करता है? अबे साढ़े पागल है क्या, सच बोलने की थोड़ी है। 2001 में एक मूवी आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें रानी मुखर्जी थी, प्रीति जिंटा थी और हमारे प्यारे सबके सल्लू भाई भी थे। इस मूवी में किसका पैसा लग रखा था? दाऊद इब्राहिम का। उन्होंने पहले अप्रोच करा था ऋतिक रोशन को कि इस मूवी में ले ले, पर जब उसने मना कर दी तो क्या उसका कॉन्सिक्वेंस निकला कि राकेश रोशन के ऊपर छोटा शकील ने गोली चलवा दी, पर बहुत सारे हाथ पैर मारे, ऋतिक रोशन मूवी में नहीं आए। लास्ट में उनके हाथ कौन लगा? हमारे सल्लू भाई, जो कि मूवी करने के लिए रेडी हो गए। मेरे को नहीं पता कैसे रेडी हो गए, वैसे बहुत दबंग बनता है, चलो कोई बात नहीं, रेडी हो गए। उसके बाद क्या सीन हुआ? पर जब मूवी के ऊपर पुलिस केस हुआ तब हुआ, सबको पता चल गया कि भाई किसका पैसा लगा है, कहां का क्या चीज ऊपर नीचे हुई है। और इसमें फाइनेंसर भरत शाह और निजीम रिजवी पकड़े गए, जिनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड वालों के साथ थे। बॉलीवुड वालों से पूछा कि भाई तुम क्या बकचोदी करते घूम रहे हो, ये सारे अंडरवर्ल्ड वालों के पैसे लगी हुई मूवी में काम कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि जी हमारी तो गांड फट गई थी कि कहीं हमें मार मूर ना दे, इसलिए मजबूरी में हमें मूवी करनी पड़ी। पर कोर्ट में जाके सब लोगों ने अपना बयान चेंज कर दिया, सिवाय प्रीति जिंटा के। प्रीति जिंटा बेचारी वहीं फंस गई, कह रही कि ना जी यही हुआ था हमारी गलती, तो उसने बयान चेंज नहीं करा, जिसकी वजह से रिजवी और भरत शाह को जेल होगी, पर हमारी प्रीति जिंटा का करियर खत्म हुआ यार, सैड। पर इस बात से ये पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड वालों की बॉलीवुड में बिल्कुल भी नहीं चलती, समझ रहे हो आप भाई। बॉलीवुड के 60% से ज्यादा मूवीज को अंडरवर्ल्ड फंड करता है यार, ये जो 200-300 करोड़ की मूवीज बनती है, ऊपर से पैसा थोड़ी टपकता है भाई, ये पूरी चेन चल रही होती है कि किसका पैसा कहां से ट्रांसफर होकर कहां पे लगेगा, कौन सी मूवी में लगेगा। पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीन होता था इसलिए पकड़े जाते थे, पर अब सारा सीन सॉर्टेड है, इनको पता है कि भाई ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे करना है, कौन सी कंपनी कैसे खोलनी है, फर्जी बिल कैसे दिखाने हैं, सारा सीन एकदम सॉर्टेड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पर ये समझ लो, आज की तारीख में अगर कोई मूवी 100 करोड़ रुपए कमा रही है तो उसका 50-60% हिस्सा
कोई और लेके जा रहा, तुम्हें पता है वो कौन लेके जा रहा है? हमारा अंडरवर्ल्ड लेके जा रहा है। पैसा ही पैसा हो गया। बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, संजय दत्त, सलमान खान, इन सब लोगों ने कन्फेस कर रखा है कि हाँ जी कन्फेस तो क्या कर रखा, पकड़े गए हैं। इन लोगों ने कई बार बता रखा कि हाँ जी हमारे कनेक्शन थे अंडरवर्ल्ड के साथ, पर ये बेचारे ये नहीं बताते कि इनके कनेक्शन अब भी हैं। यार ये बॉलीवुड जितनी आ रही दोस्ती पाकिस्तानी ISI टेररिस्ट इन सब लोगों के साथ दिखाता है, तो प्लीज इतनी सी थोड़ी बहुत दोस्ती यार हमारे देश के साथ भी दिखा दे। माना तुम्हारी फंडिंग रुक जाएगी, तुम्हारे पैसे आने रुक जाएगी, तुम्हारी गांड फाट जाएगी, पर ऐसे आतंकवादियों के सामने यार अपना जमीर मत बेचो, बुरा लगता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हाँ वो कोई कह रहा था कि दीपिका पादुकोण को पाकिस्तान से 5 करोड़ रुपए मिले हैं JNU के एंटी नेशनल प्रोटेस्ट में जाने के। अच्छा सच बात है, किसी को बतानी नहीं है? चलो ठीक है नहीं बता रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके पढ़ लेना। 22 टॉपिक हटने से पहले एक छोटी चीज बताना चाहूंगा, आप लोगों को शायद पता होगी, संजय दत्त और छोटा शकील की कॉल रिकॉर्डिंग 17 मिलियन व्यूज है, बहुत सारे लोगों ने सुन रखी होगी। एक बार जिसने नहीं सुनी तो एक बार सुन लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये बोनस समझ लो बोनस। बॉलीवुड में तुम्हें सब चीज मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, ग्लैमर मिल जाएगा, दोगलापंती मिल जाएगी, पर एक चीज है जो बहुत सारे कम लोगों को पता है, जो कि ब्रेन वॉश करना। भाई ये अपनी मूवीज में ऐसे लोगों की इमेज को ठीक करते हैं जो कुछ ना कुछ कांड करके बदनाम हुए पड़े हैं। एग्जांपल सबको पता है, जैसे कि संजू मूवी जिसमें संजय दत्त की इमेज को, आतंकवादी जो इमेज थी उसको ठीक करने के लिए कैसे कैसे दिमागों को मैनिपुलेट करा गया था। पर कोई बात नहीं, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं एक वीडियो में, जिसने नहीं देखी मेरी बॉलीवुड की एक मूवी, कह रहा बॉलीवुड की एक वीडियो जाके देख लेना। आज हम बात करेंगे अजहर मूवी के बारे में। तो भाई जिसको नहीं पता, इंडियन टीम में थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, 1996 में उसने कन्फेस करा था CBI को कि हाँ जी मैंने 1996 में ही 3 मैचेस में फिक्सिंग करी है। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो उसने देश से गद्दारी करी है। पर हमारा बॉलीवुड बहुत दयालु है यार, उन लोगों की किसी की हेल्प करे ना करे, पर उन लोगों की जरूर हेल्प करता है जो एंटी नेशनल है, जो देश से गद्दारी करते हैं, इसलिए उसके ऊपर मूवी बना दी अजहर। और सिंपल उस मूवी में जिसने मैंने देख रखी है मूवी और जिसने नहीं देखी देखना ही मत, पर उस मूवी में पूरा कुछ हुआ या ना हुआ, सिंपल शब्दों में ब्रेन वॉश कर रखा, उसकी इमेज को ठीक करा गया कि यार नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था इस टाइप का। तो भाई जिसने नहीं देखी ना उसे देखना ही मत। आपने महेश भट्ट का नाम सुना होगा, हाँ जी वो ठरकी बुड्ढा, सॉरी आपने महेश भट्ट का नाम सुना होगा, आलिया भट्ट का नाम सुना होगा, पर एक चीज इनके बारे में नहीं सुनेगी, वो ये है कि ये दोनों मुस्लिम्स हैं। वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई ये दोनों मुस्लिम्स हैं, क्योंकि जो आलिया भट्ट की माँ सोनिया राजदान, उससे शादी करने के लिए महेश भट्ट ने इस्लाम कबूल करा था, मतलब अपना धर्म छोड़ा था और इस्लाम कबूल करा था, पर बेचारे वापस कन्वर्ट होना भूल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाप मुस्लिम, माँ मुस्लिम, बेटी क्रिश्चियन तो होगी नहीं, बेटी भी मुस्लिम। यार कोई बात नहीं, है मुस्लिम कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे को ये नहीं पता चलता कि ये सारे नाम क्यों छुपाते हैं यार। और ये ऐसे अकेले लोग भी नहीं है जो मतलब ये काम करते हो, तब्बू हो गई, मधुबाला हो गई, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सब अपना रियल नाम छुपाते हैं, अपना धर्म छुपाते हैं, पर पता नहीं बहन जो क्यों छुपाते हैं। अगर किसी को पता लगे ना तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है। वैसे सच्ची बताना, तुम लोगों को आज पता चली ना कि दोनों मुसलमान है? मेरे को कल पता लगी थी। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि बॉलीवुड में तुम्हें कुछ मिले ना मिले, पर तुम्हें इंडिया की बेइज्जती, हिंदूस की बेइज्जती सदा मिलेगी। और सबसे पहला नाम आता है स्वरा भास्कर का। एक मिनट रुकना। हाँ भाई वो सी ग्रेड एक्ट्रेस का नाम ले सकते हैं? अच्छा नहीं लेना, ठीक है। हाँ इसका नाम नहीं लेंगे, चूतिया। तो पहला नाम आता है सोनम कपूर जी का, जिनके पिताजी बहुत ज्यादा शरीफ हैं। मतलब जवान है, सदाबहार जवान है, और इतना पैसा, इतने कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद भी बेचारे अपने लड़की को एक्टर नहीं बना पाए। तो यार इससे बढ़िया उसे JBT का कोर्स करवा देते, कहीं सरकारी नौकरी लग जाती, 2 पैसा घर में तो लाती, पर मुझे पता उससे वो भी नहीं होगा। तो भाई अब बात करते हैं सोनम कपूर का, ये सोनम कपूर की बात करते हैं। तो भाई ये ऐसी हैं, ये कोई कसर नहीं छोड़ती ट्विटर पे हिंदूज की बेइज्जती करने में। कोई भी कांड हो जाता है हिंदूज जहाँ पे खराब दिख रहे हो, वहां पे सबसे पहले ट्वीट करेगी भाई ऐसे ऐसे इंडिया अनसेफ है, बहुत सारी चीजें। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब भी कोई दूसरी कम्युनिटी सेम चीज करती है तो मैडम चुप क्यों हो जाती है? मैं बता दूं क्यों चुप हो जाती है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने कुछ भी दूसरी कम्युनिटी के बारे में बोल दिया तो इनके साथ क्या हो जाएगा। पाल घर में जो साधु उसके साथ हुआ उसके ऊपर कुछ बोली? नहीं बोली। 6 साल की बच्ची का मुराद अगर मैं मस्जिद में रेप हो जाता उसके ऊपर कुछ बोली? नहीं बोली। अरे क्यों नहीं बोली? आप बोल ना मैडम चोर। सोनम कपूर अकेली दीदी नहीं है, ऐसी बहुत सारी दीदियां, इनका बहुत बड़ा ग्रुप है, फेमिनिस्ट का ग्रुप है, जहां भर भर के एंटी नेशनल बातें करती है, इंडिया को गाली देती है, हिंदूज को गाली देती है, दूसरी कंट्रीज की तारीफ करती है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ये इंडियन कल्चर को गाली देती है, हम हिंदूज को गाली देते हैं। पर मेरे को 6.5 चढ़ जाएगा अभी इनके बारे में बात करूं, तो मैं एक बार इनको छोड़ दो, इनको खत्म करते हैं। तुम ये वीडियो देखो। At Ryan's pop-up lunch, as you know, my very sweet friend Ryan, and we're going to see something that he has made, and here it is. Go! Ryan, come here! Come here! Come here! Explain what that was, because everybody wants to know. That's the beef pepper water with dry lentils and dry beef.
ब्रो यार काजोल कितनी ज्यादा कूल है भाई, वो बीफ खा रही है यार। हमारे इंडिया में बीफ बैन है पर वो फिर भी खा रही है, कितनी कूल है। क्या मादरचोद, अबे मादरचोद क्यों कह रहा उसको? मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ शिवलिंग, शिवलिंग पड़ा हुआ था। ये भी देखो यार, भूल गए का? अरे कितनी बार बताया आपको, हम ही गोला का नहीं हूँ, बहुत दूर के गोला से आया हूँ। अरे हटाओ ही का। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। तुम सबको खूब पता है कि तुम्हें अब क्या करना है। मैं मार पिटाई के लिए नहीं बोल रहा, कभी तुम हिंदुस्तानी बाहु वाला सीन करवा दो मेरे साथ, मैं सिर्फ बॉयकॉट करने के लिए कह रहा हूँ, समझ गए? अब्बा नहीं मानेंगे। अब जो टॉपिक है वो हमारे सल्लू भाई का। मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा सच बोल दिया था सल्लू भाई के बारे में, तो उनके जाहिल फैंस आके मेरे साथ बकचोदी करने लगे, तो बदले में मैंने भी उनके साथ थोड़ी बकचोदी करी। मतलब माचोदी। हमारे सल्लू भाई सलमान भाई के बारे में मैं एक आधी वीडियो बना चुका हूँ, थोड़ी बहुत बता रखी है। आप लोगों को पहले से पता होगा कि उसने क्या कर रखा है, कि कितने आदमी मार रखे हैं, कितने हिरन मार रखे हैं, कितने केस चल रखे हैं, वो अलग बात है, क्लीन चिट मिल रखी है। और मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं जो एज पर फैक्ट्स बात है, वो जो चीज छुप रखी है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी मेन चीज पे आता हूं जो बहुत सारे कम लोगों को पता होगा, और इस पॉइंट को ध्यान से सुनना क्योंकि इस पॉइंट के बाद सीबीआई के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है? तो सुन लेना। तो भाई मुंबई पुलिस की तरफ से एक कांस्टेबल मिल रखा था प्रोटेक्शन के लिए सलमान खान को, जिसका नाम था रविंद्र पाटिल, और उसने हिट एंड रन केस में जो कि मुख्य गवाह था, जिसने बताया था कि हाँ जी सलमान खान ने उस दिन गाड़ी चलाई थी, तेज चलाई थी, दारू पी के चलाई थी और कर दिया था काम। पर उसके बाद क्या सीन हुआ, मतलब 2006 में पहले तो उस पुलिस वाले की जॉब चली गई, मतलब पुलिस से निकल गया वो बंदा। उसके बाद एक दो साल के अंदर उसकी डेथ हो गई। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा भाई, आर्टिकल अपने पढ़ लेना, उसकी डेथ होगी। मेरे को नहीं पता कैसे होगी, कभी तुम सोच रहे हो कि भाई किसने करा, मेरे को नहीं पता किसने क्या करा, वो तुम्हें पता होगा कि भाई क्या चीज है क्या नहीं। अब बात करते हैं सीबीआई की। जैसे मैं सुशांत के बारे में पढ़ रहा हूँ आजकल बहुत सारी चीजें कि भाई सुशांत केस में सीबीआई को मिल गया, अब उसको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा सुनके। पर मेरे दो क्वेश्चन है, उनका जवाब दे देना। सलमान वाले केस में भी सीबीआई आई थी, क्या इंसाफ मिला? नहीं मिला, पता नहीं मेरे को नहीं पता, नहीं मिला। जिया खान वाले केस में सीबीआई आई थी, जब सूरज पंचोली वाला केस हुआ था, तो उसमें इंसाफ मिला? मेरे को नहीं पता, वो तुम्हें पता होगा कि इंसाफ मिला हो या ना मिला हो। बाकी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई यार जहाँ पैसा है, कॉन्टैक्ट्स है, वहाँ पे सब चीज़ें छोटी लगने लग जाती है। ये पट्टी, ये झूठ की पट्टी, जितना जल्दी आम जनता के आंखों से उतर जाए सीबीआई वाली और बहुत सारी चीज़ें, ये सही रहेगा, हट जाने दो। और भाई मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, जो भी थे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उनको पढ़ लेना, मेरी कोई पर्सनल मैंने कुछ नहीं बना रखा। और वीडियो पसंद आई है तो भाई क्या करना, तुम पहले तो इसको डाउनलोड कर लेना, और दूसरी बात इसको शेयर कर देना, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगली वीडियो बहुत सेक्सी निकालेंगे, रोस्ट निकालेंगे, बहुत सारी चीज निकालेंगे, सब्सक्राइब कर देना। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, elvish_yadav आ गया होगा इधर के इधर। और भाई डाउनलोड कर लो गेम्स ऐप, इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इसमें तुम गेम खेल खेल के पैसे कमा सकते हो। और तुम्हें कुछ खास नहीं करना भाई, तुम्हें पार्ट लेना उसमें, गेम में 1v1 के बैटल चलते रहते हैं, उनमें अपनी स्किल्स दिखानी है, पैसे खींचने, और कुछ नहीं करना। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करोगे तुम्हें मिलेंगे साइन अप बोनस, उस बोनस को तुम कहीं भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, वो मैं मेरे को नहीं पता, तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो अभी डाउनलोड कर लो gamesapp.com से डाउनलोड हो जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जल्दी जाके कर लो, मौज लो। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।